मणिपुर में 56 दिनों से जारी हिंसा, उपद्रव और हत्याओं के बीच जिम्मेदारियों से भागने वाले प्रचार मंत्री, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, भारत लौट चुके हैं। लौटते ही न्यूज चैनल पर शोर होने लगा कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को मणिपुर के हालात से रूबरू कराएंगे। दोनों के साथ में कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उम्मीद थी कि पीएम अगली सुबह मणिपुर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाएंगे और शांति का पैगाम देंगे, पर मीटिंग तो छोड़ दीजिए, पीएम सुबह सुबह ट्रेन को हरी झंडी दिखाने निकल गए और बेशर्मी इतनी कि मणिपुर को जलता छोड़कर भोपाल में बूथ मजबूत करने निकल पड़े। लगता है गृह मंत्री ने पीएम मोदी को बताया होगा कि मणिपुर में सब ठीक चल रहा है, जो नफरत के बीज हमने बोए थे वो खूब खिल रहा है। तभी तो वो प्रधानमंत्री, जो एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लगने पर बेचैन हो जाते हैं, उन्हें मणिपुर के लोगों की बेचैनी समझ नहीं आती। पिछले 56 दिनों में प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हैं, धूमधाम से नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, अमेरिका और मिस्र जाते हैं, फिर भारत लौटते ही मध्य प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, पर मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते। इसीलिए मैं बार बार ये सवाल कर रही हूं कि क्या देश के प्रधानमंत्री का काम केवल चुनाव प्रचार करना है? क्या उनकी प्राथमिकता देश को जलता छोड़ विदेश में घूमना है? और मीडिया, जो मीडिया पीएम के पीछे पीछे अमेरिका तक पहुंच जाती है, वहां के गोलगप्पे और तेल का दाम बताती है, वो मणिपुर क्यों नहीं जाती? मणिपुर के लोगों का हाल क्यों नहीं दिखाती? मीडिया असल में ऐसी खबरों को दबा देती है, क्योंकि इससे तो भारत की बदनामी हो जाएगी, उनके राष्ट्रवाद को चोट पहुंच जाएगी। खैर, जब देश की सरकार इतनी असंवेदनशील हो तो मीडिया से क्या ही नाराजगी। पूरा देश यह अन्याय देख रहा है, प्रचार मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का फर्क समझ रहा है।